तो गाइज फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद इनफ्लिक्स की तरफ से इनफ्लिक्स हॉट 9 बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसका ऑफिशियली पोस्टर कंपनी ने रिवील कर दिया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइज आपको बता दें, ये डिवाइस इस बार बहुत ही कमाल के फीचर के साथ देखने को मिलेगा। जैसा कि इनफ्लिक्स की तरफ से जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उसमें आपको बहुत ही कमाल के फीचर देखने को मिलता है। और गाइज आपको बता दें कि जिनका बजट 10,000 तक है वो लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो गाइज आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी डिवाइस के फुल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, और इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि ये डिवाइस हमें इंडिया में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इसी डिवाइस की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो आप सभी को पता है कि इनफिनिक्स की तरफ से जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनमें आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी यानी प्लास्टिक की बॉडी ही देखने को मिलती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस डिवाइस में भी आपको वही पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पीछे के साइड में इस बार आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, यानी इसमें आपको चार कैमरास देखने को मिलेगा, जिसका मेन सेंसर होगा वो होगा 16 मेगापिक्सल का। उसके अलावा पीछे के साइड में आपको इनफिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जैसा कि हर बार देखने को मिलती है, जो फोन के लुक को और भी प्रीमियम कर देती है। गाइस बात करते हैं इसी डिवाइस के फ्रंट साइड की। तो फ्रंट में आपको डिस्प्ले जो मिलने वाली है वो 6.5 इंच की होगी, जो फुल HD प्लस की डिस्प्ले होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पंच होल कैमरास देखने को मिलेगा डिस्प्ले में, जो कि और भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल रहा है। इस बार इनफिनिक्स डिस्प्ले को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, तो यहाँ पर आपको मतलब बहुत ही कमाल की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और गाइस अब बात कर लेते हैं इसी डिवाइस के प्रोसेसर की और जान लेते हैं कि इस बार हमें इस डिवाइस में किस कंपनी का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो गाइस आप सभी को बता दें कि आप सभी को पता ही होगा कि इनफिनिक्स की हर एक स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब कि जो भी अभी पिछले लॉन्च हुआ था इनफिनिक्स हॉट 8 उसमें भी आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिला था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी हमें स्ट्रांग चांस है कि आपको मीडियाटेक का P35 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस डिवाइस में, जो बेसिकली काफी ठीक ठाक प्रोसेसर माना जाता है। इसके अलावा गाइस ग्राफिक्स के लिए यहां पर आपको माली G52 देखने को मिलेगा। और गाइस अब बात कर लेते हैं इसी डिवाइस की रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की। तो ये डिवाइस आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, पहला होगा 3GB 32GB स्टोरेज और दूसरा होगा 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, यानी इसके प्राइस में जो भी वो 1000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। गाइस इस डिवाइस की बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी की कि हमें यहां पर बैटरी कितनी mAh की देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि इस बार आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 10W का फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। उसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं इसी डिवाइस की प्राइस की कि हमें इन फीचर के साथ इस इनफिनिक्स हॉट 9 कितने प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको बता दें ये डिवाइस 9,010 की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, यानी जो इसका स्टार्टर वेरिएंट होने वाला है 3GB वाला वो आपको 9,000 की प्राइस पर देखने को मिलेगा, और जिसका 4GB स्टोरेज वाला वेरिएंट होगा वो आपको 10,000 से 11,000 के प्राइस पर देखने को मिलेगा। और गाइस फाइनली ये बात कर लेते हैं इसी डिवाइस की लॉन्च डेट की, जिसे जानने के लिए आप सभी बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे। तो गाइस आपको बता दें ये डिवाइस आपको जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में शायद से देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये था कुछ कंफर्मेशन इसी अपकमिंग डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 9 के बारे में। बट गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ फीचर के साथ देखने को मिलेगा इनफिनिक्स हॉट 9 इंडिया में, और आप सभी कितना एक्साइटेड है इस डिवाइस के लिए कमेंट करके वीडियो में बताइएगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी इनफिनिक्स की नई नई मोबाइल आती है वो हमारे चैनल पर सबसे पहले